हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है एजुकेशन ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पर। आज जो है हम लोग गिग्स फॉर गिग्स पे जो स्ट्रिंग का प्रॉब्लम्स है और मतलब डीएसए प्रॉब्लम्स है, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम के जो स्ट्रिंग का प्रॉब्लम है एनाग्राम एनाग्राम, ठीक है। ये एनाग्राम फंक्शन आप लोगों ने जो है आपको दिखा होगा और ये बहुत ही मज़ेदार प्रॉब्लम है। और ये बेसिकली एनाग्राम प्रॉब्लम जो है ये क्या करता है क्या कि अभी हम लोग देखेंगे इसके बारे में। और आज हम लोग जो है इसको पाइथन से करने वाले और हम लोग सारा कोड जो है पाइथन से ही करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं क्या है ये एनाग्राम फंक्शन और आज जो है इसके बाद मतलब ये गिग्स फॉर गिग्स के सारे प्रॉब्लम्स को हम लोग जो है लाएंगे। जैसे हैकर रैंक पे किए वैसे ही हम लोग को गिग्स फॉर गिग्स के डीएसए प्रॉब्लम्स को आज के सीरीज से मतलब हम लोग करेंगे, ठीक है। तो बहुत ही मज़ा आने वाला है। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो एनाग्राम फंक्शन है ये कहता है कि जैसे मान ले दो स्ट्रिंग है, ठीक है, गिवन टू स्ट्रिंग्स ए एंड बी। और जैसे मान लो वो लोअर केस करेक्टर में रहेंगे, तो जैसे कि मान लो एक इनपुट ए है और ये है हमारा गिग्स फॉर गिग्स और बी हमारा है फोर गिग्स गिग्स, है ना। देखो और दोनों स्ट्रिंग्स हैं गिग्स फॉर गिग्स, दो स्ट्रिंग्स हैं, एक है गिग्स फॉर गिग्स और एक है क्या हमारा है फोर गिग्स गिग्स, ठीक है। तो ये बताता है एनाग्राम फंक्शन, ये बताता है कि इसमें से जितने भी कैरेक्टर यूज किए गए हैं, जैसे जी कितने बार यूज किया गया, दो। तो इसमें भी देखो तो जी उतने दो बार यूज किया गया है, यानी कि हमारा जितने भी एलिमेंट्स है मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स और इस स्ट्रिंग का नंबर ऑफ एलिमेंट अगर दोनों सेम हो जाता है, ठीक है, तो यानी कि ये जो है रिटर्न यस कर देगा, नहीं तो ये नो कर देगा, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोगों को क्या प्रॉब्लम्स है? प्रॉब्लम्स है कि दो स्ट्रिंग है और हम लोग क्या करेंगे, अब पहले पढ़ लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऐसे दिखा लिया हुआ है, देखो द टास्क इज टू चेक वेदर द टू गिवन स्ट्रिंग्स आर एनाग्राम ऑफ ईच अदर और नॉट। मतलब दोनों स्ट्रिंग हमारा चेक करना है कि वो एनाग्राम है या नहीं है। और एनाग्राम के बारे में यहाँ लिखा हुआ है कि एनाग्राम ऑफ अ स्ट्रिंग इज अनदर स्ट्रिंग दैट कॉन्टेंस द सेम कैरेक्टर। मतलब कॉन्टेंस क्या कर रहे हैं, सेम कैरेक्टर को कर रहे हैं, ओनली द ऑर्डर ऑफ कैरेक्टर कैन बी डिफरेंट, ठीक है। तो डिफरेंट उसका जो कैरेक्टर है, ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ कैरेक्टर वो डिफरेंट हो सकता है, लेकिन जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो हमारा सेम होना चाहिए, मतलब सेम कैरेक्टर होनी चाहिए लेकिन ऑर्डर डिफरेंट हो सकता है। समझ में आ गया? आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा एनाग्राम क्या कहना चाह रहा है। जैसे ये गिग्स फॉर गिग्स है, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं मतलब कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो हमारा सेम होना चाहिए, बशर्ते ऑर्डर किसी फॉर्म में हो सकता है, वो डजन मैटर कर, वो इट डजन मैटर, ओके। तो जैसे कि एक्ट है और टैक है, टीएससी आर इन द एनाग्राम ऑफ ईच अदर, क्योंकि दोनों में कैरेक्टर जो है सेम यूज किया गया है और नंबर ऑफ कैरेक्टर भी सेम है, इसमें ए एक बार है, सी एक बार है, टी एक बार है, तो ये हमारा एनाग्राम हो गया, ठीक है। आई होप आप लोग समझ में आ गया होगा। चलो अब हम लोग क्या करते हैं और यहाँ पे आते हैं और टास्क हम लोग देखते हैं क्या है हमारा। टास्क है हमारा यू डोंट नीड टू रीड इनपुट फंक्शन और प्रिंट एनीथिंग। हमको प्रिंट कुछ नहीं कराना है, बस कंडीशंस को लगाना है, क्योंकि यहाँ पे हमारा ड्राइवर कोड जो है ये ऑलरेडी सब चीज लिखा हुआ है कि इनपुट ये ले लेंगे, इसके कोई दो स्ट्रिंग लेना है तो वो इनपुट ले लेंगे ए और बी नाम से है। और बस हमारे को प्रिंट भी नहीं कराना है, बस हमारे कंडीशंस लगाने हैं, ठीक है। और योर टास्क इज टू कंप्लीट फंक्शन इज एनाग्राम फंक्शन विच टेक, ये इज एनाग्राम फंक्शन जो है ये हमको कंप्लीट करने हैं और विच टेक्स द स्ट्रिंग ए एंड स्ट्रिंग बी एज इनपुट पैरामीटर्स और चेक इफ द टू स्ट्रिंग्स आर एनाग्राम ऑफ इच अदर, द फंक्शन रिटर्न ट्रू इफ द स्ट्रिंग आर एनाग्राम एल्स इट रिटर्न फॉल्स, ठीक है। अगर वो स्ट्रिंग हमारा एनाग्राम है तो रिटर्न ट्रू करना चाहिए, अन्यथा वो फॉल्स होने चाहिए। और हमारा जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वीगो ऑफ मॉडुलो ऑफ ए प्लस मॉडुलो ऑफ बी है, ठीक है। तो चलो देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है कि इस केस में हम लोग को पहले सोचना है करना कैसे है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग लॉजिक जो लगाएंगे, पहले ये चेक कर लेंगे कि लेंथ ऑफ जो स्ट्रिंग है, मतलब ये स्ट्रिंग का पूरा लेंथ और ये स्ट्रिंग का पूरा लेंथ, अगर लेंथ ऑफ स्ट्रिंग जो है सेम आ जाता है तो ऐसे भी हम लोग कह सकते हैं क्या कि एक तरह से ये हमारा कंडीशन ट्रू हो जाएगा, क्योंकि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग अगर सेम होता है, इसमें भी है मतलब लेंथ ऑफ स्ट्रिंग हो सकता है सेम हो जाए लेकिन
मान लो यहाँ पे एलिमेंट अलग हो जाए, होता है, हम मैं कंडीशंस लगा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे अगर लेंथ ऑफ स्ट्रिंग हम लोग क्या करते हैं, दोनों सेम कर देते हैं, तो ये भी कंडीशन हो सकते हैं क्या, वो हमारा एनाग्राम हो जाएंगे। तो सबसे पहला कोड हम लोग यही करेंगे, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, यहाँ हम लोग लिखेंगे क्या कि जो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है वो हमारा सेम होना चाहिए। उससे पहले हम लोग क्या करते हैं कि एक वेरिएबल्स बनाते हैं जो कि स्टोर करते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे दूसरा कंडीशन क्या लगा सकते हैं, अभी देखते हैं कि एक तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग हो गया, दूसरा आप लोग को एक चीज, एक फंक्शन आप लोग को जानना है, अगर आप लोग गूगल भी कर सकते हो इस फंक्शन को, और यानी तो मैं अभी बता ही देता हूँ, काउंटर फंक्शन, ठीक है। काउंटर फंक्शन का मतलब है वो बारी बारी से एलिमेंट को चेक करता है, मतलब कि जैसे गिग्स फॉर गिग्स है, वो चेक करेगा कि जी कितने बार आए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स को वो चेक करता है, जी 2 बार आए हैं, उसके बाद ई कितने बार आए हैं, ई 4 बार इसमें आए हुए, तो ये सारे एलिमेंट्स को चेक करेगा कितने बार आए हैं, और उसके बाद मैच कराएगा। मतलब ये बेसिकली यही कर रहा है कि जी कितने बार आए, ई कितने बार आ रहे हैं, के कितने बार आ रहे हैं, तो काउंटर फंक्शन का ये काम है, ठीक है। तो चलिए हम लोग जो है यहाँ पे इम्पोर्ट करते हैं उसको, तो फ्रॉम फ्रॉम कलेक्शंस, ये इसका यहाँ से इम्पोर्ट करने होते, थोड़ा इम्पोर्ट, और यहाँ पे लिखना है काउंटर्स, ठीक है, काउंटर फंक्शन, काउंटर, ठीक है। तो इससे क्या होगा, काउंटर फंक्शन हमने इम्पोर्ट किया कलेक्शन से, और अब यहाँ पे हम लोग जो है कोड हियर के अंदर या इज एनाग्राम फंक्शन में लिखने हैं। यहाँ पे क्या करना है कि एक सी नाम का वेरिएबल्स बनाना है, और यहाँ पे लिखना है क्या, काउंटर ऑफ ए। तो काउंटर फंक्शन ऑफ ए जो है ये क्या करेगा कि ए जो स्ट्रिंग है उसमें सारे एलिमेंट्स को वो क्या करेगा, काउंट करेगा, ठीक है, कितने बार हैं, ठीक है। और फिर एक डी बना देता हूँ, और यहाँ पे लिखना है काउंटर ऑफ बी, ठीक है। इससे क्या हो गया कि बी स्ट्रिंग को जो है वो जो है काउंट करके वो स्ट्रिंग में मतलब डी वेरिएबल्स में उसको स्टोर कर दिया, ठीक है। काउंटर मतलब समझ गए, हर एक एलिमेंट्स को बारी बारी से वो चेक करता है, ठीक है, जी कितने बार है, ई कितने बार आ रहे हैं, है ना, तो वो हो रहा है। और एक बना सकते हैं आप लोग, एक्स नाम का बना देता हूँ, और जो कि उसको वो लेंथ को रिप्रेजेंट करेगा, लेंथ ऑफ ए, और एक वाई मैं ले लेता हूँ जो कि लेंथ ऑफ बी को रिप्रेजेंट करेगा वो, ठीक है, लेंथ ऑफ बी को। तो यहाँ तक हमने कर दिया, और ये हमारा जो है सब वेरिएबल्स हम बनाए, और सी बनाया, डी एक्स वाई, और सब में लेंथ को, एक्स वाई में लेंथ को स्टोर कराया, और सी डी में हमने काउंटर ऑफ ए काउंटर ऑफ बी को स्टोर कराया। काउंटर मतलब समझ गया आप लोग, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये चीज। अब मैं कंडीशंस लगा दूँ, बहुत इजी सा प्रॉब्लम है। अब यहाँ पे नॉर्मली इफ एंड कंडीशन, इफ एल्स कंडीशन लगाना है। इफ यहाँ पे अगर लिखना है क्या कि सी काउंटर ऑफ जो काउंटर, हाँ काउंटर कर सकते हो, हाँ ठीक है। तो अगर हम काउंटर ऑफ ए और काउंटर ऑफ, देखो मान लो ये जो काउंटर ऑफ ए है, ठीक है, इसके जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है जैसे जी ई के, यहाँ पे जैसे है ये सारे एलिमेंट्स को चेक किया, और सब इसमें जो मान लो जी 2 बार आ रहा है कि ई 4 बार आ रहा है, फिर बी को चेक किया, इसमें भी जी 2 बार आ रहे हैं, ई हमारा 4 बार आ रहे हैं, तो जब हमारा ये मैच कर जाएगा, मतलब कि सी अगर अगर यहाँ पे मान लो सी हमारा जो है यहाँ पे काउंटर फंक्शन हो गए, लेंथ ऑफ अगर हमने चेक किया है तो एक्स वाई, और ठीक है लेंथ अगर वहाँ पे सही है, ठीक है, तो यहाँ से अगर हम क्या करते हैं कि काउंटर अगर वो सेम हो जाते हैं, मतलब कि ठीक है, मैं पहले क्या कर देता हूँ कि इफ एल्स में यहाँ इफ पहले कंडीशन में सीधा ये कर देता हूँ कि अगर मान लो लेंथ, ये जो स्ट्रिंग है मान लो, बहुत ही इजी सा है, देखो जैसे लेंथ है बी स्ट्रिंग है और ए स्ट्रिंग है, अगर मान लो लेंथ ही सेम ना हो, है ना, जैसे अगर एक्स जो है मैं क्या कर देता हूँ नॉट इक्वल टू वाई कर देता हूँ, इससे क्या होगा, जब हमारा लेंथ ऑफ ए और लेंथ ऑफ बी इक्वल नहीं है तो सीधा रिटर्न क्या कर देना है, ट्रू फॉल्स कर देना है ना, ये हमारा क्या हो गया, फॉल्स हो गया, ठीक है, इससे क्या होगा, रिटर्न हमारा फॉल्स हो गया। और अब क्या करना है कि मतलब सबसे पहले क्या है क्या कि वो हमारा अगर मैच ही नहीं कर, लेंथ ऑफ ए और बी हमारा ऐसे भी इक्वल नहीं है, तो सबसे पहले है कि वो खत्म हो जाएगा, है ना, इसका मतलब है कि वो हमारा कभी भी एनाग्राम नहीं बनेगा। तो अब हम क्या करेंगे,
अब यहाँ पे क्या करने वाले हैं हम लोग, एल्स कंडीशन लगाएंगे। और एल्स कंडीशन में क्या करने हैं, एल्स कंडीशन में इफ अगर यहाँ पे क्या कर देते हैं कि जो हमारा लेंथ है, चूंकि ये तो लेंथ का कंडीशन हो गया, अगर यहाँ पे सी जो है वो इक्वल टू अगर हो जाए डी के, है इक्वल हो जाए डी के, काउंटर ऑफ ए और काउंटर ऑफ बी अगर इक्वल हो जाता है तो रिटर्न क्या करना है, रिटर्न करने हैं हम लोग को, रिटर्न करने हैं हम लोग को ट्रू, है ना, ट्रू हमको रिटर्न करना है। और यहाँ पे फिर एक एल्स कंडीशन लगा देंगे और एल्स कंडीशन में लिखेंगे क्या, रिटर्न फॉल्स। दूसरा इसमें कंडीशंस क्या हो सकते हैं, देखो एक तो कंडीशन हो गया क्या कि हमारा जो है दोनों इक्वल ना हो, इक्वल ना हो तो ऐसे ही फॉल्स करने वाले रिटर्न। फिर अगर हमको सी और डी हमारा इक्वल हो जाए, ये काउंटर ऑफ ए काउंटर ऑफ बी इक्वल हो जाए तो रिटर्न ट्रू, और अगर मान लो ये हमारा जो है इक्वल होते हुए भी, इक्वल होते हुए भी अगर वो मैच ना करे कैरेक्टर तो सीधा क्या करना है, रिटर्न क्या करना है, रिटर्न करना है फॉल्स को। समझ में आ गया आप लोग को, आई होप आप लोग को समझ में आ गया हो। ये हमारा कोड रेडी हो चुका है, अब हम लोग इसको रन कराएंगे, तो कंपाइल एंड रन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखते हैं हमारा जो है, ये देखो आप ये हमारा आ गया है ना। तो अब फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको सबमिट कराते हैं। आई होप आप लोग को ये देखो जो ऐसा आउटपुट है वो हमें मिल गया है और हम सबमिट कराते हैं इसको। तो जब हमने सबमिट कराया तो देखते हैं ये हमारा कंप्लीट होता है या ये, तो देखो हमारा जो है ये हमारा टेस्ट केस पास हो चुके हैं और 222 टेस्ट केस थे जिसमें कि हमने जो है इसको कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा ये जो है टेस्ट केस क्या बताते हैं और मतलब ये जो है एनाग्राम फंक्शन क्या है और यहाँ पे एनाग्राम फंक्शन कैसे लगाते हैं हम लोग। ठीक है, ये बहुत ही मजेदार प्रॉब्लम है और ये बहुत सारे कंपनीज में पूछा गया, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ स्टार्ट यहाँ पे जो है कंपनी अगर हम बात करें, यहाँ पे देखो इसे कंपनी टैक्स, तो देखो यहाँ पे फ्लिपकार्ट एडोबी गूगल ये सब कंपनी में ये जो है प्रॉब्लम्स पूछा गया, तो बहुत ही मजेदार प्रॉब्लम है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ाई करते रहें। और अगले वीडियो में हम लोग नए प्रॉब्लम्स को लेकर आएंगे और बहुत सारे प्रॉब्लम्स को लेकर आने वाले हैं, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करें। ठीक है, तो ठीक है भाई, मिलते हैं।